जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की लेटेस्ट खबर सामने आ रही है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले के पेरेंट्स को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें पिता बलकौर सिंह को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं लगातार। यह कॉल आपको बता दें पाकिस्तानी नंबरों से आया है उनके पास। वहीं सोशल मीडिया के जरिए भी धमकाया जा रहा है उन्हें। जी हाँ, दो दो जगहों से जो है उन्हें कड़ी धमकियां मिल रही है। फिरौती की रकम भी मांगी जा रही है जिसमें कई करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। आपको बता दें इस धमकी भरे कॉल और पोस्ट में कहा जा रहा है कि मूसेवाले के बाद अगला नंबर है पिता बलकौर सिंह का और पूरा मूसेवाले के परिवार का भी, जो भी पुलिस के पास जाएगा, जो भी कानून से मदद लेगा सिद्धू मूसेवाले को इंसाफ दिलाने के लिए, उन सभी को जो है मार डालेंगे। इस बारे में आपको बता दें पुलिस को भी सूचना दे दी गई है, लेकिन सिद्धू मूसेवाले के पिता जी की सुरक्षा जो है बेटे के कत्ल के बाद से ही कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें वे हर जगह बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में ही आ जा रहे हैं। वहीं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मूसेवाले के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपील जारी की है कि कोई उनसे मिलने ना आए, वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। मूसेवाले के बारे में सोशल मीडिया से जानकारी देते रहेंगे वो लगातार। आपको बता दें मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह जी ने धमकी देने वालों को साफ कह दिया है कि वह बेटे को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे, बेटे के कातिलों को सजा दिलवा कर रहेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह जी के मुताबिक सोशल मीडिया पर आ रही धमकियों के बारे में परिवार के करीबी कुछ युवकों ने जो है उन्हें जानकारी दी। वहीं मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह जी ने गुरुवार को अमृतसर पहुंचे और जहां उन्हें एनकाउंटर में मारे गए शार्प शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू की पहचान की। इसके बाद ही उन्होंने एनकाउंटर में कातिलों को मारे जाने पर पंजाब पुलिस की जमकर तारीफ की। मीडिया के सामने उन्होंने इतना जरूर कहा कि सिर्फ दो को मारने से कुछ नहीं होगा, जो विदेश में बैठकर यह सब काम करवा रहे हैं उन पर भी कानूनी कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें मूसेवाले के पिता जी जो हैं इस वक्त की पाकिस्तान से आए हुए धमकी और फिरौती की रकम को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। माता चरण कौर सिंह जी भी अपने पति की चिंता जाहिर कर रही हैं और इसीलिए जो है पिंड को उन्होंने छोड़ दिया है कुछ महीनों के लिए। और आपको बता दें कुछ महीनों बाद जो है वो वापसी करेंगे, लेकिन इस संडे तक जो है वो पिंड में ही हैं। मंडे को जो है वो पिंड छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं उसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन मूसेवाले जी की जो अपडेट है, लाइव अपडेट, वो देते रहेंगे मूसेवाले जी की इंस्टा पेज से टाइम टू टाइम, और जिसकी जानकारी हम आपसे लगातार शेयर करते रहेंगे। उससे पहले आपको बता दें लॉरेंस बिश्नोई से लगातार इस वक्त जो है पंजाब पुलिस पूछताछ कर रही है और रिमांड की डेट जो है आगे और बढ़ने वाली है। वहीं आपको बता दें कई सारे खुलासे जो है लॉरेंस बिश्नोई ने की है। गोल्डी बरार जो कि आपको बता दें कैनेडा में बैठा हुआ है, उसने भी धमकी भरे फ़ोन जो है माता पिता को दे डाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक वीडियो जारी करके भी मूसेवाले की जो है मौत होने का जरा सा भी अफसोस नहीं जताया। उसने कहा जो हुआ मूसेवाले के साथ अच्छा हुआ, पुलिस और सरकार ने जो है हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हमने अपने भाई का बदला ले लिया। इस तरह का वीडियो जो है उसने जारी करके खूब सारी खरी खोटी जो है सरकार को सुनाई, साथ ही मूसेवाले के परिवार को भी चेताया कि कानूनी कार्रवाई जो है वापस ले लिया जाए और हम कोई भी कानूनी कार्रवाई हुई या किया गया मूसेवाले की हत्या में तो अंजाम बहुत बुरा होगा मूसेवाले के परिवार के लिए। इस तरह की बातें जो है उसने वीडियो जारी करके कही है सोशल मीडिया पर। वेल दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे मूसेवाले के परिवार को मिली धमकी को लेकर जो कि पाकिस्तान से मिली है? ज़रूर अपने विचार कमेंट सेक्शन के जरिए व्यक्त कीजिएगा।